9 फरवरी ये वो तारीख है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेलेगी। 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए भारत को कम से कम 2 मैचों में जीत हासिल करनी होगी। अगर बात भारतीय टीम के फॉर्म की जाए तो सभी खिलाड़ी शानदार लय में हैं। बात चाहे कप्तान रोहित शर्मा की करें, जिन्होंने हाल ही में शतक जड़कर सभी आलोचकों को चुप कराया, या फिर रन मशीन विराट कोहली की, जिन पर नीम करोली बाबा की ऐसी कृपा बरसी कि मात्र 2 महीनों में उन्होंने 3 सैकड़ा जड़ डाला। विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये उनके आंकड़े बताते हैं, लेकिन कभी कभी किसी खिलाड़ी के खिलाफ आपके आंकड़े खराब भी होते हैं। कुछ ऐसा ही है विराट कोहली के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली को एक गेंदबाज से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि आंकड़े हैं गवाही, ये गेंदबाज विराट के लिए साबित हो सकता है तबाही। आखिर कौन है वो गेंदबाज और क्या कहते हैं विराट के खिलाफ उनके आंकड़े, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में पूर्व कप्तान विराट कोहली से फैंस को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वो गेंदबाज जिससे विराट कोहली को बच के रहना चाहिए उसका नाम है नाथन लायन। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लायन से किंग कोहली को थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि नाथन ने विराट कोहली को कुल 7 बार टेस्ट में आउट किया है। इसी वजह से कोहली को टेस्ट सीरीज में नाथन से बच के रहने की जरूरत है। नाथन के सामने कोहली ने कुल 25 टेस्ट पारियां खेलते हुए 410 रन बनाए और कुल 7 बार आउट भी हुए। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि किंग कोहली को इस स्पिनर से खतरा हो सकता है। अब बात अगर विराट कोहली के टेस्ट करियर की जाए तो कुल 104 टेस्ट मैच खेलते हुए विराट कोहली ने 8119 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 28 अर्धशतक जड़े हैं, जिसके साथ ही टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 254 रन का रहा है। आपके हिसाब से विराट कोहली के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन सा गेंदबाज सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।